जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसमें हमने लास्ट लेक्चर जो किया है वो है टाइम डायलेशन, और टाइम डायलेशन का एक कंसिक्वेंस भी किया है जिसका नाम है ट्विन पैराडॉक्स, और उसके बाद हमने एक लेक्चर किया है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द टाइम डायलेशन। और टाइम डायलेशन के फार्मूले पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं कि हाउ टू हैंडल सम प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम डायलेशन फार्मूला। तो टाइम डायलेशन फार्मूले के बेसिस पर कैसे हम किसी न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे, तो हमने क्वेश्चन लिया है कि द रिस्ट वॉच, एक हमारे पास कलाई घड़ी है जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसको बोलते हैं रिस्ट वॉच, और उसको पहनकर कोई एक पायलट है वो स्पेसशिप लेकर स्पेस में गया है, और वो जो कलाई घड़ी है वो अर्थ पर बिल्कुल सही या करेक्ट टाइम बताता है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो कह रहा है कि आर रिस्ट वॉच कीपिंग करेक्ट टाइम ऑन द अर्थ, अर्थ पर बढ़िया टाइम बताता है, और कह रहा है कि वो पायलट जो स्पेसशिप लेकर गया है उसने पहना है, और ही इज वार्न बाय द पायलट, और पायलट ने अपनी कलाई घड़ी को देखकर वार्न किया पायलट ने, और ऑफ अ स्पेसशिप, कहां से स्पेसशिप का जो पायलट है उसने अपनी घड़ी के द्वारा क्या किया है, वार्न किया है, जो कि अर्थ के सरफेस पर वो बढ़िया करेक्ट टाइम बताता है। कह रहा है हाउ मच विल इट अपीयर टू लॉस पर डे, कह रहा है कि उसकी कलाई घड़ी जब स्पेसशिप में गया है वो किसी एक वी वेलोसिटी से, तो एक दिन में कितना टाइम लॉस कर रहा है, कितना टाइम लॉस कर रहा है उस अर्थ पर खड़े हुए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। टू एन ऑब्जर्वर द अर्थ व्हेन स्पेस शिप लीव्स द अर्थ विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इतना तो कह रहा है कि जो स्पेस में गया है इस वेलोसिटी के साथ, स्पेसशिप में जो गया है इस वेलोसिटी के साथ 10^7 मीटर पर सेकंड में, तो अर्थ पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर कितना पर डे, कितना मिनट टाइम का लॉस महसूस कर रहा है जो स्पेसशिप में घड़ी को लगाकर गया है। तो हमें क्या करना है, क्या पता करना है, हमें लॉस इन टाइम पता करना है, समय में लॉस पता करना है। तो अगर हम देखें कि 24 घंटे में पता करना है, तो 24 घंटे में पता करना है, तो ये तो हमारे पास है 24 आवर है। अब 24 आवर का मतलब होगा कि 24 × 60 कर लें, ऐसे भी पता हो जाएगा, लेकिन हम इसको आवर में ही पता कर लेंगे, बाद में हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, टाइम डायलेशन का फार्मूला लगा लेते हैं, यही है 1 − v² / c². हमें 24 आवर पता है स्पेसशिप में, यानी कि उस मूविंग फ्रेम के अंदर, उस इनर्शियल मूविंग फ्रेम के अंदर जो v कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है उसके अंदर पायलट है। अगर टाइम डायलेट होगा तो उसी के वॉच में डायलेट होगा, तो वो डायलेटेड टाइम यहां पर निकाल लेते हैं, जिसको प्रॉपर टाइम बोल रहे हैं हम लोग, यहां पर डायलेटेड टाइम t है, जिसको प्रॉपर टाइम यहां पर बोल रहे हैं, ये स्मॉल t निकाल लेते हैं, तो ये टी नॉट हमारा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 − और वी स्क्वायर का मतलब 10^7 का स्क्वायर, और 5c² मतलब 10^8 का स्क्वायर। अब हम यहां पर देखें तो कितना हो जाएगा 24 और टी नॉट और 1 − और ये कितना हो जाएगा 10^14 और ये 9 × 10^16 हो जाएगा, और टी नॉट और 1 − ये कितना हो जाएगा 10^ ये ऊपर जाएगा तो −16 हो जाएगा, ओ −16 और 10^-2/9 और इस ये हो जाएगा, और फिर यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा टी नॉट और √1 − इसको नीचे ही ले आओ और 900 कर दो, इसको 900 रहेगा, ठीक रहेगा, और ये 24 हो रहेगा, ये तो ये हो जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू √1 − 900 और × 24, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 23.9866 आवर, इतना आ जाएगा ये भाई। अर्थ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो 24 घंटे में देख रहा है कितना टाइम उसका, हमारा जो स्पेसशिप में बैठ कर गया है वो कब वार्म कर रहा है, तो वार्म करने में कितना मिनट का डिफरेंस आ रहा है वही हमें पता करना है, डायलेटेड टाइम के साथ प्रॉपर टाइम का कितना डिफरेंस है। तो हम अगर देखें तो हमारा इतना क्या हो गया है कि प्रॉपर टाइम मिल गया है, और उसके में 24 हो रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस पता कर लेंगे, t − t0 पता कर लेंगे, तो 24 घंटे में उसका कितना डिफरेंस उसकी घड़ी में आ रहा था 23.9866, अब इतना का डिफरेंस आ रहा था तो 24 double 0
00 और 23 और 98 और 66 है, तो ये 4 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 9 0 हो जाएगा और ये 00 कितना आ जाएगा 0.0 और 134 ये आवर में आ गया। अब इसको मिनट में वो पूछ रहा है कितना मिनट हो जाएगा, देखो यहाँ पर कह रहा है मिनट में पूछ रहा है क्या कि हाउ मच विल इट द अपीयर टू लॉस पर डे, तो इतना आवर लॉस करेगा, मिनट में नहीं पूछ रहा है, इतना क्या करेगा आवर में लॉस करेगा। इसी को मिनट में चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप 1, 1, 3, 4 और आवर इसी को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 6 चौक 24 और 6 3 18 18 और 2 20 और 2 हासिल हो गया, 6 कम 6 6 2 8 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा यहाँ 0 लगा ही लेते हैं और 0 0 तो 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 ये इतना हो जाएगा 0.804 मिनट हो जाएगा। तो इतना टाइम में डिफरेंस आ जाएगा दोनों के वॉच में।